गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस इलस्ट्रेशन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब जो यहाँ से इलस्ट्रेशन होंगे वो सारे गारंटी के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 69। अमन बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमन बबीता एंड सुरेश, ये टॉपिक सभी समझ में आएगा जब इससे पिछले वाला लेक्चर आपने देखा होगा। अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो पिछला लेक्चर देखिए, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे यहाँ पे, राइट? क्या है क्वेश्चन? अमन बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है आपका 2:2:1 है। हाउएवर सुरेश इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। ये जो सुरेश है इसको गारंटी दी थी कि इसका प्रॉफिट हर साल कितने का होगा, 10,020 का होगा एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। एनी डेफिशिएंसी ऑफ दिस अकाउंट विल बी मेट बाय द बबीता, और कोई भी अगर इसमें डेफिशिएंसी हुई तो वो कौन बियर करेगी? बबीता बियर करेगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो। क्या कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। जो प्रॉफिट है 31st March 2016, दो साल का प्रॉफिट दे रखा है। 31st March 2016 को तो प्रॉफिट हुआ था 40,000 का, और 31st March 2017 को प्रॉफिट हुआ था कितने का, 60,000 रुपीज का। समझ आ गया क्वेश्चन? दो साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन को बनाना है। क्या कह रहे हैं? अमन बबीता और सुरेश तीन पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 2:2:1 के रेशियो में। सुरेश को गारंटी दी कि उसका हर साल प्रॉफिट मिनिमम कितना होगा 10,000, और इसमें कोई भी अगर डेफिशिएंसी हुई दैट डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय द बबीता। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 इज 40,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 इज 60,000 एंड वी हैव टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2016 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। दो साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, तो 16 में कितने का प्रॉफिट हुआ था, 40,000 का। ये नेट प्रॉफिट है, दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 40,000। फिर इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमन बबीता और सुरेश। इस 40,000 को 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 40,000 को 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 16,000 और 8,000। अब सुरेश को तो क्या हुआ था, गारंटी दी थी किसने, बबीता ने, कि इसका प्रॉफिट किसी भी साल 10,000 से कम नहीं होगा, बट यहां तो कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो ये जो 2000 की डेफिशिएंसी है इट विल बी बॉर्न बाय द बबीता। तो इसमें से लेस करेंगे डेफिशिएंसी कितनी 2000, और इसमें ऐड कर देंगे जो डेफिशिएंसी हुई है इसको कितने की, 2000 की। तो सुरेश का शेयर कितना हो गया 10,000, बबीता का शेयर कितना हो गया 14,000, और अमन का शेयर कितना हो गया 16,000। समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कब का, सॉरी 31st मार्च 2016 का, राइट? अब अपन बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब का, 31st मार्च 2017। देखिए 31st मार्च 2017 का कैसे बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2017 में कितने का प्रॉफिट था, 16,000 का, ये कब का बन रहा है, 17 का। 31st मार्च 2017 को कितना प्रॉफिट है, 60,000 रुपीज का। ये लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000,
उसके बाद इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमन, बबीता और सुरेश 60,000 को बांटेंगे इनके पीएसआर में 2:2:1 के रेशियो में, तो उसको 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 24,000, 24,000 और 12,000। अब सुरेश को क्या गारंटी दी थी, कम से कम मिनिमम उसको 10,000 का प्रॉफिट होगा, तो कितने का हो रहा है 12,000, यानी सुरेश को जो मिनिमम गारंटी थी प्रॉफिट की वो फुलफिल हो गई, तो यहाँ पे अब किसी का कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो बस इसी तरीके से प्रॉफिट क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर वेवर नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 70, इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। कौन सा इलस्ट्रेशन है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 17। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, प्रॉफिट को शेयर करें किस रेशियो में, 5:4:1 के रेशियो में। सी इज गिवन अ गारंटी That his share of profit in any year would be 5,000. C को गारंटी मिली थी कि इसका जो प्रॉफिट है वो 5,000 से कम का नहीं होगा। Deficiency if any, कोई भी deficiency हुई इस 5,000 में, that would be borne by A and B. जो भी deficiency हुई कौन bear करेगा, A और B bear करेंगे, कैसे, equally, यानी कैसे 1:1 के रेशो में। The profit for the year ended 31st March 2016, जो net profit था 31st March 2016 को, जो net profit था 31st March 2016 को, वो कितने का था, 40,000 रुपीस का था। अब इसका अपन को क्या बनाना है, profit and loss appropriation account। तो सबसे पहले ये जो net profit है ये PNL से PNL appropriation में transfer करेंगे, category होगी profit and loss account debit टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 40,000, इस 40,000 के प्रॉफिट को 5:4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, तो जो 40,000 पीस का प्रॉफिट है उसको 5:4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4:1 के रेशियो में, तो आएगा 20,000, 16,000 और 4,000। अब सी को क्या बोला था, सी को क्या गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट हर साल मिनिमम प्रॉफिट उसका कितना होगा 5,000, जबकि यहां तो उसको कितना शेयर मिला है 4,000, कितने की डेफिशिएंसी है 1,000 रुपीस की डेफिशिएंसी है। क्या बोल रहे थे, जो भी डेफिशिएंसी होगी डेट विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी, कैसे 1:1 के रेशियो में, यानी जो 1,000 की डेफिशिएंसी है कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। तो इसमें से लेस करेंगे डेफिशिएंसी, कितने की डेफिशिएंसी थी 1,000 की, तो इसमें से इसको कितनी बियर करनी है हाफ, कितना 500, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा 19,500। इसमें से लेस करेंगे डेफिशिएंसी, 1,000 × 1/2 कितना है 500, कितना हो गया आपका 15,500, और इसमें ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी 500 डी ए से 500 डी बी से, टोटल कितनी होगी 1,000, तो टोटल कितना हो गया आपका 5,000। समझ में आया। Now, illustration number 71.
71 ही कर रहे हैं अपन, अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 72। में थोड़ा सा एडमिशन का कंसेप्ट है वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, आगे कुछ चैप्टर पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे, आपसे अपना आप हो जाएगा तभी क्वेश्चन। अभी अपन पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 72। क्या कह रहे हैं, मीता रीता एंड शारदा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। प्रॉफिट को शेयर करें किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में। मीता हैड पर्सनली गारंटेड डेट इन एनी ईयर संद्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर लोइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स 5% एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन राइट वुड नॉट बी लेस देन 10,000। क्या कह रहा है, मीता ने किसको, इस एस को, एम ने एस को गारंटी दी है किसका, प्रॉफिट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 4% इंटरेस्ट ऑन राइट चार्ज करने के बाद इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना होगा, मिनिमम 10,000 रुपीज का होगा। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑन 1st April 2015, कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की 1st April 2015 की कैपिटल दे रखी है कितनी है, 80, 50 और 30, 80,000, 50,000 और 30,000। फिर कह रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट इज 40,000। जो नेट प्रॉफिट है 31st March 2016 को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितने का है, 40,000 रुपीज का है। फिर कह रहा है मीता विड्रॉ 4,000 ऑन 1st April 2015। कह रहा है ड्राइंग्स करी है, किसने ड्राइंग करी है, मीता ने ड्राइंग करी है किस कितने की, 4,000 रुपीज की ड्राइंग करी है कब, 1st April 2015 को, ठीक है। एंड संद्रा विड्रू 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, और उसने कितने की ड्राइंग करी, ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपीज की ड्राइंग करी है, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करना है, एक तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 5% पर एनम। क्वेश्चन में बता नहीं रहेगा कैपिटल फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग है, तो साइलेंस के केस में क्या मानते हैं, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। तो यहां पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ही दे रखा है 1st April 2015, तो सीधे इसी पे इंटरेस्ट निकालेंगे 5% ऑफ 80,000, 5% ऑफ 80,000 इज 4,000, 5% ऑफ 50,000, 5% ऑफ 50,000 इज 2,500 एंड 5% ऑफ 30,000, 5% ऑफ 30,000 इज 1,500। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8,000। और क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से, एट द रेट 4% पर एनम, 4% पर एनम। अच्छा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, काउंटिंग क्या होगी, क्या होता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम आर और एस कितना है, 4,000, 2,500 और 1,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका 8,000। अब क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करते हैं। इसने 4,000 रुपीज की ड्राइंग करी थी 1st April 2015 को, तो 4,000 की ड्राइंग करी है, डेट मेंशन है 1st April 2015, तो कितना परसेंट लगेगा, पूरे साल पर लगेगा कितना, 4%। तो इसका 4% कितना होगा, 160। इस आर ने कोई ड्राइंग नहीं करी है, इसने ड्राइंग करी है कितने की, 5,000 की। अब यहाँ पे कोई डेट वेट मेंशन नहीं है एस के केस में,
तो क्या हो गया, लमसम ड्रॉइंग है और रेट के आगे क्या है, पर एनम है, तो क्या करेंगे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 5000 का 4% इंटू 6/12, तो ये आएगा आपका कितना 100, टोटल कितना हो गया 260। समझ में आ गई बात। यहाँ पे डेट मेंशन थी ये 1 अप्रैल 2015, इसलिए पूरे साल भर का निकाला है। यहाँ पे इसकी कोई ड्राइंग की नहीं, यहाँ पे ड्राइंग थी 5000, इसके लिए डेट वेट कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो ये क्या होगी, लमसम ड्राइंग होगी। तो लमसम ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम है, तो क्या करते हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर्स, एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट विल बी द एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल एम और एस ने ड्राइंग करी कितनी, 160 और 100, कितनी हो गई 260। ठीक है, अब प्रॉफिट है कितने का, 40,000 का प्रॉफिट था, तो इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रहेगा कितना, 40,000। अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 260 माइनस 8,000, योर डिविजिबल प्रॉफिट इज 32,260। इसको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एम आर और एस, क्या है रेशियो, 2:2:1, 2:2:1 डिवाइड बाय 5 × 2, तो 12904 और 6452। अब क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन रेंट देने के बाद इस एस का प्रॉफिट मिनिमम कितना होगा, 10,000, और जो भी इसमें डेफिशिएंसी होगी शेयर ऑफ प्रॉफिट में कौन बेयर करेगा, एम, तो इसका प्रॉफिट यहां पे कितना हो रहा है, 6452। तो कितने की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है यहां पे कितने की, 3548 की डेफिशिएंसी है। दिस डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय एम, तो इसमें से लेस करेंगे डेफिशिएंसी कितना, 3548, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12904 माइनस 3548, तो ये आएगा आपका 9356, तो इसका तो कितना हो गया 9356, इसका ही रहेगा और इसका कितना हो गया 10,000। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये गारंटी के क्वेश्चंस होते हैं, कल के लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।